नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कृषि विभाग में 2,667 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अब खास मौके पर मुफ्त में घूम सकेंगे बिहार म्यूजियम। बस और ऑटो सहित सार्वजनिक वाहनों की होगी ट्रैकिंग। लालू यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। बिहार में बढ़े तो वहीं देश में घटे कोरोना के एक्टिव केस के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के कृषि विभाग में 2,667 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। बिहार के कृषि विभाग में 2,667 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बीएसएससी जल्द ही विज्ञापन निकालेगा। इसमें प्रखंड कृषि अधिकारी के 774 पद, सहायक निदेशक कोटी 1 वर्ग 2 के 89 पदों का रोस्टर क्लियरेंस करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा भेज दी गई है। इसकी घोषणा बीते दिन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कृषि मंत्री ने कहा है कि बीएसएससी अनुमंडल कृषि अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के 228 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। अभी तक 164 अभ्यर्थियों ने कृषि विभाग में योगदान दिया है। अब इन अधिकारियों के लिए 19 मई तक प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नल में नहीं आया पानी तो सबसे पहले नपेंगे ठेकेदार। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल बिहार में अभी भी सही तरीके से यह योजना का लाभ पूरी तरह से लोग नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी अब इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें सबसे पहले ठेकेदार ही नपेंगे। जी हां, बिहार के घरों में अगर नल से जल रुका तो इसका जुर्माना ठेकेदारों से वसूला जाएगा। पीएचईडी डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये कार्रवाई सिर्फ ठेकेदार तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। विभाग के इंजीनियर पर भी गाज गिरेगी। विभाग की तरफ से अभी तक लगभग 138 कॉन्ट्रैक्टर डीबार किए गए हैं, साथ ही 8 को ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया है। अब खास मौके पर मुफ्त में घूम सकेंगे बिहार म्यूजियम। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में नई नई चीजों को विकसित कर रही है, लोगों को तमाम सुविधा मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में बिहार के लोगों को खास मौके पर अब बिहार म्यूजियम में घूमने का मौका मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के लोगों को फ्री में बिहार म्यूजियम में भ्रमण का मौका मिलेगा। हर साल 7 अगस्त के दिन बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दिन बिहार के बच्चों को पूरे म्यूजियम में भ्रमण करवाया जाएगा। इसके अलावा सबसे मुख्य बात यह है कि महिला दिवस के दिन महिलाओं को, बिहार दिवस के दिन वरिष्ठ नागरिकों को और बाल दिवस वाले दिन बच्चों को बिहार म्यूजियम में निःशुल्क भ्रमण का मौका मिलेगा। ये उक्त बातें बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कही है। 18 मई से शुरू होगी बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीपीएससी ने इंटरव्यू तारीख की घोषणा कर दी है, जो कि 18 मई से शुरू हो जाएगी, जो कि 22 जून तक जारी रहेगी। ऐसे में आप भी अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं तो विस्तृत जानकारी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहली शिफ्ट का समय सुबह 10:30 बजे से है, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से है। आप अपना इंटरव्यू का समय, स्थान और तारीख वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इंटरव्यू की निर्धारित तारीख से एक सप्ताह पहले से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। और एक अहम बात, इंटरव्यू लेटर डाक से नहीं भेजा जाएगा, यह आपको ऑनलाइन प्राप्त करना होगा। बस और ऑटो सहित सार्वजनिक वाहनों की होगी ट्रैकिंग। बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार सजग है। इसी क्रम में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों की परिवहन मुख्यालय से लाइव ट्रैकिंग होने वाली है। बस हो या फिर ऑटो हो, ये कहां से और कब खुलती है, कहां जाती है, इसकी हर पल की जानकारी प्रशासन को होगी। वाहनों के लोकेशन की लाइव ट्रैकिंग के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू हो गया है। बीते दिन इसका उद्घाटन परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया। फिलहाल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बाद अन्य शहरों में संचालित सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में ये सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे कुछ हद तक महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। अप्रैल में तापमान का 3 साल का टूटा रिकॉर्ड। अप्रैल की गर्मी इस कदर झुलसा रही है तो मई और अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल की गर्मी अगर इस कदर झुलसा रही है तो मई और जून में क्या होगा? लोग तो यही सोच के परेशान हो रहे हैं। राजधानी पटना की बात करें तो मंगलवार का दिन पूरे 3 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मतलब ये कि गर्मी रोज नए रिकॉर्ड ब्रेक करने में लगी हुई है। अप्रैल में करीब 12 बार ऐसा हुआ है जब अधिकतम तापमान 40 से ऊपर चला गया। ऐसे में मौसम विभाग ने भी लोगों को अलर्ट कर रखा है। अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने दक्षिणी बिहार के करीब 18 जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 29 अप्रैल के लिए उत्तरी बिहार में बारिश और ठनका के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ध्यान रहे, बारिश का अलर्ट उत्तरी बिहार के लोगों के लिए है और दक्षिण बिहार के लोगों को अभी भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। बाढ़ और जल जमाव से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारी हुई शुरू। बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की और डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रभावित स्थलों का अभी से ही निरीक्षण शुरू कर दें, ताकि तैयारी करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पटना
ताकि गंगा एवं अन्य नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आने पर और शहरी क्षेत्रों में जल जमाव होने पर गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। मालूम हो कि बरसात के मौसम में राजधानी पटना में बुरी तरह से जल जमाव होता है और पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ऐसे में प्रशासन ठोस कदम उठा रही है ताकि लोगों को परेशानी न हो। ईओयू के हत्थे चढ़े सीओ, अवैध बालू खनन से आय से अधिक संपत्ति मामले में एक और सीओ के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने आज औरंगाबाद जिले के बारून में तत्कालीन अंचलाधिकारी रहे बसंत कुमार रॉय के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। बसंत कुमार पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर थे और अब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनके आवास पर छापेमारी की गई है। बीपीएससी ने जारी किए फैक्ट्री इंस्पेक्टर के फाइनल रिजल्ट। बीपीएससी ने फैक्ट्री इंस्पेक्टर यानी कारखाना निरीक्षक परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें कुल 6 उम्मीदवार सफल हुए। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए 30 और 31 मार्च को इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में 16 उम्मीदवार शामिल हुए थे। 6 पदों के लिए 1249 ऑनलाइन आवेदन आए थे। आपको बता दें कि कारखाना निरीक्षक का पद श्रम संसाधन विभाग के तहत आता है। साथ ही बीपीएससी ने सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज में 3 विषयों के शिक्षकों के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। 26 पदों के लिए 27 अगस्त 2018 को परीक्षा हुई थी। हाईकोर्ट ने 3 महीने के इस विषय पर निर्णय लेने को सक्षम प्राधिकार को दिया निर्देश। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने शिकायत के साथ सक्षम प्राधिकार से संपर्क करने को कहा है। साथ ही सक्षम प्राधिकरण को 3 महीने के अंदर इस पर फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि जनहित याचिका में तंबाकू यानी कि कोटीन युक्त किसी भी प्रकार से गुटखा, पान मसाले का निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या फिर बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। लालू यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। एक ओर तेज प्रताप का मामला, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि बीते दिनों चारा घोटाला मामले में लालू को जमानत मिलने के साथ ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाजीपुर कोर्ट की तरफ से राहत तो मिली थी। अब इसी मामले में लालू के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू रॉय ने बताया कि ये मामला 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय का है। राजद की एक सभा में लालू प्रसाद यादव पर जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। कहा गया था कि इससे लोग मर्माहत हुए हैं, जिसे लेकर अब केस दर्ज हुआ था। जगदानंद सिंह ने कहा यह उनके हाथ में नहीं कि वो तेज प्रताप पर एक्शन ले। मालूम हो कि पार्टी के कार्यकर्ता रामराज यादव द्वारा आरोप लगाया गया था कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें कमरे में बंद करके मारा था। इसकी शिकायत रामराज यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को दी थी, जिसके बाद जगदानंद सिंह ने साफ कहा है कि मैं मूक दर्शक नहीं हूं, सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने कार्रवाई का भरोसा भी रामराज यादव को दिया था। जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि घबराओ मत, जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पहले सारा मामला स्पष्ट हो जाना चाहिए। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि तेज प्रताप विधायक है और फिलहाल ये उनके हाथ में नहीं है कि वो तेज प्रताप के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए। बिहार में बढ़े तो वहीं देश में घटे कोरोना एक्टिव केस के मामले। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 1,13,469 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 7 नए कोरोना के मामले मिले हैं। भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा में क्रमशः 1-1 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी पटना में कुल 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर की बात करें तो बुधवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के 2927 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 16,279 पर पहुंच गई, यानी एक्टिव केस की संख्या में कमी आई है। पटना यूनिवर्सिटी में फिर शुरू होगी इंटर की पढ़ाई। पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से इंटर की पढ़ाई आरंभ होने जा रही है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा मंत्री के बीच इसको लेकर बातचीत हो चुकी है और अब पटना विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट सीनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पढ़ाई आरंभ हो सकेगी। इसके पहले पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद सरेंडर किए गए पोस्ट को दोबारा सरकार से सेक्शन कराने की प्रक्रिया को पूरा कराने की कवायद की जाएगी, जिसके साथ ही इसमें पटना मेट्रो परियोजना में पटना साइंस कॉलेज के 1953.6 वर्ग फीट खेल मैदान का निर्माण कार्य हेतु स्थायी हस्तांतरण को हरी झंडी दी गई है। रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल में पूरे किए 150 विकेट। बीते दिन दो रॉयल टीम आमने सामने हुई, जहां मुकाबला बैंगलोर और राजस्थान के बीच खेला गया, जहां राजस्थान ने रॉयल जीत हासिल की और बैंगलोर को 29 रनों से हराया।
इस दौरान अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने आईपीएल के करियर में कुल 150 विकेट पूरे कर लिए। अश्विन ने कल के मैच में कुल 3 विकेट लिए। बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले में अश्विन ने रजत पाटीदार को आउट कर ये कारनामा किया। ये मुकाबले में उनका पहला विकेट था। उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने पाटीदार के बाद सुयश प्रभुदेसाई और शहबाज अहमद को भी आउट किया। उनके इस प्रदर्शन से राजस्थान को जीत मिली। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सलीम भाई, रंजीत मेहता, नूनू कुमार, कुश कुमार यादव, ध्रुव कुमार, रंजीत मिश्रा, रूही सिंह, शंकर मुखिया, शमशेर आलम। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपके क्षेत्र में नल जल योजना के तहत लगाए गए नल में पानी आता है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।